and welcome to the Nestory, your real estate friend online, and I am Deeksha Singh Sisodia. और आज जिस घर का हमने इंटीरियर आपके लिए कवर किया है उसके पीछे द ब्रेन्स बिहाइंड इट इज प्रोफेशनल मिसेज मुक्ता बांबा भरीजा एंड शी इज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट एंड एन इंटीरियर डिजाइनर. सो कम ऑन, आई विल जस्ट शो यू इनसाइड दिस 2 BHK विच इज अ यूनिट ऑफ 1245 स्क्वायर फीट. सबसे पहले आप एंटर करते हैं अपने फॉयर एरिया के साथ, जिसमें एक यहाँ पे हैंगिंग अराउंड स्टोरेज एरिया यहाँ पर आप कह सकते हैं आपको मिल रही है, जिसके बाद आपकी लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस की शुरुआत हो जाती है. एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग द स्पेस एंड द लाइटिंग हियर. यहाँ पे जो पूरी आप सीलिंग लाइट्स देख रहे हैं ये मूड लाइटिंग के हिसाब से भी आप यू नो यूटिलाइज कर सकते हैं. यहाँ पर आपको पूरी वुडन एक यू नो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि पेंटेड है, एंड दैट्स एग्जैक्टली एलिवेटिंग द इंटायर लुक ऑफ दिस लिविंग एरिया. ये सोफा सेट इज ऑल्सो गोइंग विद हाउ द इंटीरियर्स हैव बीन डिजाइंड. एक ही कलर पैलेट में रखा गया है हर एक चीज़ को. AC पैनल्स आर राइट देयर, एंड या दिस इज हाउ योर इंटीरियर्स हियर विल कम आउट विद अ सॉफ्ट पार्टीशन. ये एक सॉफ्ट पार्टीशन वुडन यहाँ पर दी गई है अलॉन्ग विद दिस वेरी ब्यूटिफुल मोल्डिंग यहाँ पर करी गई थी, जिसको एक कैनवस में पेंट किया गया है. दिस इज़ द पेंटिंग that also is looking so much in tune with the entire interior of the house. Hum aapke dining area mein aa jate hain. This is your dining section right here that accommodates like 4 or 5 people. And then eventually ye aapka puja section hai, jiske aap gliders yahan par dekh payenge. Now let's move on to the kitchen area, जो कि एक पैरेलल काउंटर्स किचन है, जिसकी आप कैबिनेट्स ऑफ कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. और यहाँ पर स्ट्रिप लाइट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है. एक बहुत ही अच्छे स्पेस को इन्होंने बहुत अच्छे से एलिवेट कर दिया है. एंड नाउ विल मूव ऑन टू द अदर सेक्शन हियर. ये भी एक स्टोरेज यूनिट है जिसको इन्होंने एक अच्छे तरीके से यू नो यूटिलाइज किया हुआ है स्पेस को भी. और अब मूव इन करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस में, which looks like this. So यहाँ पर एक बहुत ही interesting इन्होंने component introduce किया है, जहाँ ये wardrobe section हुआ करता था, अब ये एक study के रूप में इन्होंने incorporate कर दिया है. हर चीज़ यहाँ पर proper angles में set है. ये आपको cabinets दिख रहे होंगे storage units के, और इसके अंदर भी आपको strip lights का concept नज़र आ रहा होगा. This is the entire setup. ये wooden आपको एक palmet समझ आ रहा होगा with strip lights again. लाइटिंग के लिए इस कॉर्नर को बहुत अच्छे से रखा गया है. एंड हियर यू हैव द बालकनी स्पेस. बालकनी के जस्ट ऊपर आपको AC पैलमेट्स नज़र आ रहे होंगे, और स्टोरेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया गया है. स्टोरेज के लिए उस सेक्शन को कम्प्लीटली यूटिलाइज कर दिया गया है. एंड दिस इज़ द वॉल एरिया. आपको ये वॉल हैंगिंग्स और ये सारा डेकोर अपने बेड के हेड स्टैंड से मैच करता हुआ नज़र आ रहा होगा. एंड दिस इज़ वेयर यू हैव अनदर कैबिनेट हियर, हैंगिंग वन, एंड देयर यू हैव अ TV स्टोरेज यूनिट. नाउ विल मूव टू द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस. ये इस 2 BHK का मास्टर बेडरूम है, जिसमें हर जगह कोई ना कोई आपको काम दिख रहा होगा. यहाँ पर जो स्टोरेज है उसके नीचे भी आपको स्ट्रिप लाइट्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल रहा है. मेटल्स का यहाँ पर आपको आपकी जो मेन फ्रेमवर्क है यहाँ पर मेटल स्ट्रिप्स यूज़ की गई हैं. वुडन फ्लोरिंग के साथ ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हैं. और यहाँ पर एक ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है अलॉन्ग विद सम स्टोरेज हियर. और ड्रेसिंग के साथ साथ भी यहाँ पर एक हिडन स्टोरेज का भी स्पेस है. एंड देन दिस इज़ वेयर योर स्टडी हैज़ बीन मेड अलॉन्ग विद द पेंटिंग हियर, विच रियली एक्सेंचुएट्स द लुक. एंड यहाँ पर वॉलपेपर का काम किया गया है. AC पैलमेट्स हैं, एंड ऑफ कोर्स द सीलिंग लाइट्स आर डन. हम आपके लिए ऐसे ही कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोफेशनल इंटीरियर वर्क्स लेकर के आते रहते हैं, ऐसे कॉन्टैक्ट्स लेकर के आते रहते हैं. आज का काम आपको कैसा लगा आप नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं. एंड मीनवाइल थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द नेक्स्ट स्टोरी. दिस इज़ दीक्षा सिंह साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़ वेरी वेरी सून. नमस्ते.